Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स मैं हूं अनीस ये प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी में बड़ी ख़बर लेके आ रहे हैं कि जिसमें कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पी आई ए को यूरोपियन यूनियन ने छः माह के लिए बैन कर दिया है वजह इसकी बताई जा रही है कि वहाँ पायलट्स की काबिलियत और असनाद के बारे में जो सवाल कौमी असम्बली में गूंजे जो आवाज़ ग़लाम सर अवान साहब की गूँजी उसको बेस बनाते हुए बड़ा फैसला हुआ है एक इतना बड़ा फ़ैसला कि जिसकी गूंज हमारे यहाँ कनाडा के नेशनल नेटवर्क में सुनाई दी फ़ज़ाओं में रेडियो पे गाड़ियों में उसकी आवाज़ गूंजी ख़बरों की और दुनिया भर की वेबसाइट की वो नज़र बनी उसके अलावा जो एक इमेज का नुकसान हुआ है एक माशी नुकसान जो होगा लॉन्ग रन में वो अपनी जगह पर है लेकिन एक इमेज का भी नुकसान इस पर आज बात करेंगे उसके अलावा एक और बड़ी ख़बर पाकिस्तान से आई जहाँ पर पा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची जो कि माशी हब है पाकिस्तान का वहाँ पर हमला होता है और उसको उस पर कार्रवाई होती है कौन लोग हैं ये क्यों हो रहा है इस पर कुछ बात करेंगे इसके साथ साथ और मामला हैं जो हम लेकर आएंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामला जिसमें डिप्लोमेटिक सर जंग का सा माहौल है उसकी बात बोस्निया की कुछ शिकायत हैं क्या शिकायत हैं वो आज हम आपको बताएंगे हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो हम आपको बताएंगे इस सिलसिले में डिस्कशन करेंगे हमारा पैनल आपको मालूम है एक्सपर्ट ताहिर असलम गोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम ताहिर साहब बहुत बड़ी खबर है सर कि पी के बारे में आ, उनको बैन कर दिया गया है छः माह के लिए और ये एक इब्तः यूरोपियन यूनियन ने एक एग्जांपल सेट की है हो सकता है अब नॉर्थ अमेरिका या दीगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी करेंगे आ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला होता है पाकिस्तान में जो ये शोरशे हैं जो ये मजामतें हैं जो ये नाराज़गियाँ हैं आ, ये बढ़ती ही चली जा रही हैं और इस पर कोई अभी तक नेशनल कंसेंसेंस या तो नहीं दी जा रही इसको आप कैसा देखते हैं देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक तरह से अनरेस्ट है या जो बेचैनी है मुख्तलिफ़ कौतों में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों में वो हम ये देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ती चली जा रही है और उन बेचैनियों की वजह से अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है अभी आपने जैसे इस्टॉक एक्सचेंज पर हमले की खबर सुनी और उसमें चार जो हमला करने वाले थे वो भी हलाक हुए और शायद दो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हलाक हुए और उस पर बाद में किसी बलूचिस्तान की किसी तंजीम ने शायद ज़िम्मेदारी भी कबूल की अगर ना भी वो करते तो उनके गले थोप दी जाती जी बड़ा अजीबोगरीब गरीब मामला है देखिए Uh, हम इस तरह के जो टेररिस्ट uh, एक्ट्स हैं चाहे वो कोई भी करे, हम उसकी तो हमायत किसी सूरत नहीं कर सकते वो तो अपनी जगह पर है लेकिन बात यह है कि रूट काजेज़ की पाकिस्तान में बड़ी बात की जाती है जब भी कोई बात होती है ना वो कहते हैं जी रूट काज इसके रूट काज देखें जी तो भाई जी याद है अच्छी तरह से अच्छी भाई कि जब वो बिन लादेन और तालिबान और दहशतगर्दी की बात होती थी तो जो पाकिस्तान के प्रो तालिबान लोग हैं वो उसकी मजम्मत नहीं करते थे वो कहते थे कि इनकी बात सुने ये क्यों कर रहे हैं ऐसा इनकी बात सुने ये क्यों मजामत कर रहे हैं तो आज मुझे बलोचिस्तान के इस वाक़े पर यही बात करते हुए जैसे आपने कही तो वही बात आ गई कि क्यों नाराज़ हैं लोग आप तालिबान की बात करते हैं ये बात तो इमरान खान किया करते थे जब वो अपोजिशन में होते थे बार बार वो करते कभी मजम्मत नहीं की अच्छा रूट काज के अलावा इमरान खान जो ये कहते थे पूरी दुनिया से कहते रूट काज टूटे उसके साथ साथ वो ये भी कहा करते थे कि जी मैं तो इनकी मजम्मत भी नहीं करूँगा बिल्कुल और अभी आप देख लें वजीर अजम के तौर पर उन्होंने उसामा बिल्लादन को शहीद कह दिया तो शहीद एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बड़े मानी रखता है यानी कि कि यानी किजेज़ के साथ ही जोड़ रहे हैं इसको बिल्कुल जोड़ दिया कि ये जो हमला किया जो तीन चार हज़ार अमेरिकन को उन्होंने वहाँ जाके मारा और उसके बाद वो फैमिली सिविलियंस को मारा वो जायज़ हो गया क्योंकि उसको शहीद करार दे दिया फ़ॉर ए कॉज एक नोबल कॉज उन्होंने करार दे दी कि अब ये शहीद का मतलब क्या है कि वो एक नोबल कॉज के लिए जा रहा है वो जिहाद के लिए जा रहा है जायज़ है जो कि सेक्रेट जी और फिर ये देखिए साथ ही इमरान ख़ान पार्लिमेंट में ये भी कहते हैं इसी दिन ही यानी दो तीन दिन पहले ही कि जी इस जंग में अमेरिका हमारा हमारी कुरबानियाँ नहीं मानता इसमें तो पाकिस्तानी सत्तर हज़ार से ज्यादा लोग मारे गए जी और वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये नहीं मानता अच्छा साथ ही वो कहते हैं शहीद है तो वो जो शहीद जिसको वो कह रहे हैं उसकी वजह से सिर्फ अमेरिकी या दुनिया भर में लोग नहीं मरे खुद वो पाकिस्तान के सत्तर हजार जो लोग मरे उसकी रू, रूट कॉज भी उसामा में लादन एंड कंपनी है कंपनी है जब मैं कंपनी की बात करता हूँ तो उस कंपनी में फिर अपने जो पाकिस्तान के डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल है जो सहूलत सहूलतार है ठीक है उसामा बिन लादन पाकिस्तान में कहीं राह चलते हुए नहीं मिला था वो एक बहुत ही उम्दा किस्म के आ, किला नुमा महल में रह रहा है और जो काकुल एकेडमी से श, श, शायद चंद फरलांग के फासले पर है बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वही रूट कॉजेज़ की बात करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के ये जो मामले हैं इसकी तरफ आता हूँ ये तो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ अब देखिए कोविड नाइन्टीन का प्रेशर पूरी दुनिया पे चल रहा है पाकिस्तान भी उससे सफ़र हो रहा है उस पिछले उस कोविड नाइन्टीन के ज़माने में जो बेचारे बलोच हैं पश्तून हैं महाजर हैं सिंधी हैं उन पर और अजाब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के बढ़ते चले जाए बिल्कुल आपने पिछले दिनों ही सुना कि दो औरतें वहाँ पर मारी गई जी जो बेचारी आम जिंदगी गुजार रही हैं जो अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहती हैं उनके शौहर तो पहले ही मिसिंग है जी 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 तो वो मारी गई अच्छा इस तरह के ला तदाद वहाँ पे वाकया तो बिल्कुल सही हजारों बलोच पश्तून महाजर और सिंधी इस ए, इन हमलों में मारे जा चुके हैं जो स्टैब्लिशमेंट के ब्रूटल हमले हैं बिल्कुल ठीक अब खास खासतौर पर बलोचिस्तान के हवाले से बलोचिस्तान पर ये एक और अजाब कोविड नाइनटीन के साथ साथ चल रहा है ऑपरेशन जो चल रहा है अब वो जो रूट काज की बात करते हैं पाकिस्तान के ये स्टैब्लिशमेंट और जाली मीडिया के लोग फेक मीडिया के लोग ये रूट कॉज है तो भाई रूट काजेज फिर इसके भी ढूंढो जी कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों हमला हुआ हम तो मजम्मत करते हैं कोई भी टेरिस लेकिन हम तो उसामा बिल्लादन की भी मजम्मत करते हैं जिन्होंने ये हमला किया उनकी भी मजम्मत करते हैं इसलिए कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन रूट काजेज फिर आप ढूंढो ना चूंकि रूट काजेज ढूंढने का आपको शौक है ना हाँ। तो ढूंढो इसको जायज करार देने के लिए तो आप कह देते हैं कि रूट काज ढूँढो लेकिन जब अपने मतलब की बात होती है तो फिर उन पर आप बेजा हमला भी करते हैं और वहाँ की जो बची खुची कौमी क्यादत है अख्तर टाइप जी 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 आप देख रहे हैं कि अब वो बिल्कुल दीवार से लगा दिए गए हैं वो खुद तस्लीम करते हैं इस बात को कि अब वो उन्होंने साथ भी छोड़ दिया है तहरीक इंसाफ का और वो सरेआम बयान भी दे रहे हैं राइट right. आप देखिए अख्तर मैंगल साहब ने पिछले दोनों ही में, पिछले हफ्ते ही कौमी इसम्बली में पाकिस्तान के कहा और उनकी तकरीर सुनने के लायक है वो ये कहते हैं कि भाई आप फिर सब सोचें हुँ. कि बांग्लादेश क्यों आजाद हुआ था आपसे क्यों बोला रोड की बात आ गई ठीक है ना तो वो इशारे दे रहे हैं अब ये अख्तर मैंगल साहब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में थे जी उनके साथ इतिहादी थे इतिहादी रहे लेकिन क्या वो कहें वो वो अत्ता कि उनकी जो तकरीर है वो ये बताती है कि वो जो इतिहादी भी रहे वो शायद उनके पास कोई चॉइस नहीं थी या तो वो पहाड़ों पे जा बैठते तो चूंकि या फिर इनके साथ बैठ जाते चूंकि पाकिस्तान में खासतौर पर बलोचों के साथ तो कोई और चॉइस ही नहीं है तीन चार च्वाइस हैं जी एक तो यही कि आप पहाड़ों पर जा बैठे दूसरा ये है कि आप इस्टेबलिशमेंट की गोद में चले जाए इस फिर पाकिस्तान से बाहर निकल के कहीं जाएपना ले लें बिल्कुल इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा ये ऑप्शन सिर्फ बलोचों के लिए नहीं है सब ये ऑप्शन सबके लिए है। जो, है जो भी हक़ की बात करेगा जो भी अपने हकूक की बात करेगा यही ऑप्शन है इसमें इसमें कोई लसानियत की बात नहीं है इसमें कोई कौमियत की बात नहीं है इसमें कोई शुभाइत की बात नहीं इसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि गुल बुखारी गुलई इसमाइल अहमद अकास गुराया सलमान हैदर ये मुख्त पंजाब से तल्लक़ है बहुत से लोगों का इसमें से बहुत से लोगों का फाटा से ताल्लुक़ है बलोचिस्तान के लोग जो 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 बाहर निकले में पढ़े लिखे उर्दू uh, स्पीकिंग एक बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंसिया नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बैठा हुआ है वो बाहर निकल आया है इन चीज़ों से तंग आकर के जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जहाँ आपको कोई राइट्स नहीं है और आपकी जान को ख़तरा है एक काली वीगो आएगी आपको उठा के ले जाएगी uh, तो कौन वहाँ रहना पसंद करेगा एक तरह का uh, इसे कहना चाहिए कि कैंटोनमेंट कंट्री को बना दिया गया है पूरी कंट्री एक कैंटोनमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई तो अख्तर महंगल भी बयान देंगे मंजूर पश्तीन भी देंगे अलताफ़ हुसैन भी देंगे तो फिर तो बयान तो आएंगे ना सर बयान भी आएंगे और नाराज़गी भी आएगी नाराज़गी भी आएगी उनके कंसर्नस भी आएंगे और फिर अलीहदगी पसंदी की बातें भी होंगी जो कर रहे हैं जी, जी। क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब पहले इस नैश तक नहीं गए थे नहीं गए थे अब उनको इस तरह दीवार के साथ लगा दिया गया कि उन्होंने फिर कहा कि भाई ठीक है मैं अब रह ही नहीं सकता मेरी कॉम आपके साथ रह ही नहीं सकती बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो खैर डेमोक्रेटिक राइट है उनका ठीक है हाँ, दुनिया इनको देती है है ये ठीक वो तो हाँ, वो तो तो दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं तो उनका डेमोक्रेटिक राइट बांग्लादेश मगर वो जो रूट कॉजेज जी जिनकी पाकिस्तान की और खास तौर पर ये जो उनका पपेट है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नाम ने कहा यह बड़ा उसका शौक था रूट काजेस तो ढूंढो इन सब बातों की भी रूट काजेज क्यों नाराज है क्यों शोरशें हैं क्यों मजामत है क्यों हमले हो रहे हैं अब ढूंढो ढूंढो दू, हाँ। और ईमानदारी से ढूंढो अगर ये ढूंढेंगे और उनका हल निकालेंगे तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है ना जी लेकिन फिर क्यों नहीं ढूंढते सवाल ही पैदा होते हैं इसलिए कि पाकिस्तान की बेहतरी इनको मकसूद नहीं थी, है।, है ये आपको और वो अवाम को जखावा देने के लिए है ठीक है एक मंजन है बस बेच बस बस बेचे चले जाओ असल तो इनका इनका जो जती इंटरेस्ट है वो ये कि इनके ज़ाती मफादत हैं इनकी जाती पावर है ठीक है ठीक है एक ग्रो है ग्रो को अपने जो एलिट क्लास है उनको अपने बजट भी चाहिए उनको रिटायरमेंट पैकेज भी चाहिए और उनको गोल्फ़ भी खेलनी है उसके बाद बच्चे भी उनको बाहर पढ़ाने हैं उसी महदूद तनख्वाह में सो so कॉल्ड तो जाहिर है ये गरीब अवाम का पैसा गरीब अवाम पे पेट्रोल बम गिरा के गरीब अवाम पे टैक्सेस लगा के बिजली के बिजली ना दे के बिजली का बिल भेज कर ये वसूल किए जाते हैं ना सर तो ये मामला चलते रहेंगे एक डूबती हुई इकानमी पे एक कोविड का हमला होता है उस उस मुल्क को कितनी एहतियात से काम लेना चाहिए उस मुल्क को अपनी इकाइयों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए मैं नहीं समझता कि अगर ये ज़रा सा मौका देते देतेफ हुसैन को शफी बरफत को डॉक्टर अल्ला नज़र को और कहते हैं कि आएँ हम आपको गले लगाते हैं नेक नीयति के साथ बट नगोशिएटिंग टेबल पर अदर साइड पर अगर आप बिल्ले लगा के और मेडल लगा के जनरल बैठे होंगे तो हाउ उ टॉक टू दैम देखिए जी वो यही होता चला जा रहा है नेक नीति के साथ तो ये अपने लोगों के साथ बात नहीं करते बाहर की दुनिया के साथ तो ये बात करते ही नहीं करते बाहर की दुनिया को तो पता चल गया कि या तो ये स्टेब्लिशमेंट हमसे पैसे बटोरने की खातर या हमें एक और आई वॉश देने की खातर बिल्कुल या एक और हमें जो झांसा देने की खातर ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं बिल्कुल अब वो तो बाहर के यानी बेगाने लोग समझ चुके हैं हाँ तो अपने लोगों को ये भात तो अब रोजे रोशन की तरह जैसे कहती है ना कहते हैं कि वो बिल्कुल अय्या है ये एक ऐसा मसला है तहर भाई के जिसमें आपको प्रॉब्लम भी पता है और उसका सलूशन भी मालूम है विल नहीं है विल नहीं है और जो मफादात की दलदल बना ली है जी उससे ये बाहर नहीं निकल रहे तीसरा एक और भी मसला है कि उसकी रियलाइजेशन भी बहुत कम है बिल्कुल ये वाकई समझते हैं वो अंधे हैं अपने अपने मफादात के चक्कर में वो ये समझते ही नहीं कि भाई इसकी असल रियलाइजेशन क्या है वही इसकी रूट कॉज़ क्या है बिल्कुल ठीक वो समझने को तैयार नहीं है एक ऐसा इन्होंने झूठ बोलते बोलते पहले कभी आज से कुछ दो तीन नस्लें पहले झूठ को झूठ समझा जाता होगा गयुब खान के ज़माने से याक के ज़माने तक अब इसको झूठ भी नहीं समझा जाता दिस इज वट इट इज हम जो कह रहे हैं वो सच है आप भी माने हम तो मान चुके हैं झूठ बोलते बोलते अब ये आदि हो गए हैं कि ये झूठ सच है ठीक है ठीक और उसी दल दल में अब ये दंस गए हैं अच्छा नाजरीन एक बड़ी बड़ी खबर जो आई है पाकिस्तान से वो आ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी एयरलाइन को बैन कर दिया गया है छः माह के लिए यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप के तमाम ममालिक में इंक्लूडिंग बरतानिया और अब वहाँ से ना कोई फ़्लाइट आ सकेगी चाहे वो रिपेट्रेस फ़्लाइट हो और लोगों को अपने प्यारों से मिलाने की बात हो जो लोग स्टक हुए हैं उनको वापस लाने हो या इधर से दोनों तरफा साथ साथ अब ये भी खतरा बढ़ गए हैं कि जो दीगर एविएशन इदारे दुनिया के हैं इंक्लूडिंग अमेरिका कैनेडा और मिडल ईस्ट वो क्या इस बारे में एक्शन लेते हैं हम इस नहाज तक पहुँचे कैसे ये एयरलाइन फ्लॉप क्यों हुई और ये एयरलाइन गिर क्यों रही है इसके तैयारे क्यों गिर रहे हैं सिविलियन क्यों मारे जा रहे हैं इल्ज़ाम किस पे ठहराया जा रहा है पायलट्स को क्यों मुलजि गर्दाना जा रहा है जबकि असल मुलम कोई और है तायर भाई एक रिटायर्ड पायलट ने बड़ी मासूमाना अंदाज़ में बड़ी सादा ज़बान में मेरे ख्याल में, में तीस सेकेंड में एक बात कही है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और वो बात पी आई ए के हवाले से पी आई ए के पायलट्स के हवाले से और ये जो बैन लगा है इसके हवाले से उसने जिम्मेदारान की निशानदेही की है तो लेट्स वॉच दैट क्विक क्लिप मैं मान लेता हूँ कि ये ठीक है तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट किसके अंडर है उसके अदारों के सारे अफसरान कहा से आते हैं रिटायर्ड होके सर्विंग वो है पाकिस्तान अगर ये लोगों ने जाली काम किया कोई लालू खेत में तो लाइसेंस मिलता नहीं है मिलता तो है तो ये सिविल एविएशन से ही मिलता है तो जो कुछ भी पैसा लिया उन्होंने या दिया जो कुछ भी हुआ जो मुझे नहीं पता है तो इसका मतलब एयरफोर्स के सारे चाचू जो वहां से आते थे जिनको एयर मार्शल्स कहते थे इन सब ने पैसा बनाया है इन सबको पकड़ लो और उल्टा लटका दो चोर तो असल में वो हुए ना ये तो नहीं हुए जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे दे के लाइसेंस ले लिया इन्होंने पैसे दे के आपने फ्लाइंग कर दी असल में चोर पाकिस्तान एयरफोर्स वाले निकले हैं सी में शोर मच रहा है बीबीसी में शोर मच रहा है असल में चोर कौन है पिया ये कि इस माशी और इमेज के पीछे इस, इस ये जो इतना बड़ा बम फुटा है इसका असल जिम्मेदार असल चोर कौन है उसको उल्टा लटकाया जाए और आपको मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हेड कौन कर रहा है इस पर एक हाजिर सर्विस एयर मार्शल अरशद खान को बिठाया गया है जिनका पिछला कोई तजर्बा नहीं है जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है जिन को जिनका कहीं मैनेजमेंट से ताल्लुक़ नहीं है उन्होंने इसको नोस डाउन डुबया है लिटरली भी और जिसे हम कहते हैं कि महावरतन भी कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा जब ये लोग इदारे चलाएंगे और आप क्वालिफाइड मैनेजमेंट के लोगों को सिविल सर्विस के लोगों को मौका नहीं देंगे तो आप बदहाली की तरफ जाएंगे। पायलट्स की काबिलियत पे सवाल उठ के एक कौमी असम्बली में ये आवाज़ गूंजती है और वो आवाज़ जो है वो इंटरनेशनल इदारे पिक करते हैं यानी कि हम हुए तुम दोस्त जिसके उसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो आप खुद अपने दुश्मन है मुल के ऐसे लोगों की गिरफ्त क्यों नहीं होती ऐसे लोगों पर को पकड़ा क्यों नहीं जाता ऐसे लोगों को गद्दार क्यों नहीं करार दिया जाता देखिए ऐसे लोग पाकिस्तान के तकरीबन हर शुभे में मौजूद हैं जी अगर उनको पकड़ने का सिलसिला शुरू हो और गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हो तो कौन किस को पकड़ेगा जी और कितने गिरफ्तार होंगे और कितने बचेंगे बिल्कुल दुरुस्त ये सिर्फ पी आई ए का मामला नहीं है जी लेकिन पीआईए का मामला हमारी इस दुनिया में कैनेडा अमेरिका में बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि यहाँ पर तसवर नहीं किया जा सकता कि कोई जहाज उड़ाने वाला पायलट बगैर डिग्री के बग़ैर ट्रेनिंग के और बगैर उस उस, उस आ, इल्म का शूर रखे ये। वो ये काम करेगा लेकिन ये भी तो है ना कि इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी तो हमें देखना होगा ना देखिए ये बात इस वक्त सिटिंग के एक मिनिस्टर कर रहे। और वही जो हम पीछे रूट की बात कर रहे थे तो गलती से इन्होंने रूट कॉज की बात कर दी ना जी। इन्होंने रूट कॉज को सामने उजागर कर दिया कि भाई ये ये जो हादसे हो रहे हैं और खासतौर पर ये जो अभी कराची में पिछले दिनों हादसा हुआ था तो वो वो उन्होंने बता दिया है कि भाई तीस फीसद से ज़्यादा तो आपके जो पायलट हैं वो जाली हैं अब पी आई ए का वन थर्ड अगर जाली पायलट्स पर है वो उनके रफ अंदाजे के मुताबिक और एक और रफ अंदाजे के मुताबिक इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए कि जब करप्शन का ये हाल है जब लाकानूनीत का ये हाल है तो हमारी ये दुनिया यूरोपियन यूनियन कैनेडा अमरीका तो लर्ज जाएंगे ना इसीलिए सी एन एन पर बीबीसी पर जी सीबीसी पर सीबीसी पर कैनेडियन रेडियो टीवी पर आज सारा दिन यही चलता रहा ये ये खबरें आ रही हैं जी तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सच बोल दिया और उस सच का अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी डाइस जो पूरी दुनिया बसता है वो उसको बड़ी परेशानी है जी लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा जो है वही तो बेचारे ट्रैवल करते हैं उनको ये सोच सोचना होगा नहीं बिल्कुल कि वो इन्हीं जाली पायलटों के आप, साथ तो ट्रैवल कर रहे आप थे आप ये देखें कि इसकी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल की जो एक इमेज है उसकी अब क्या वक्त रह गई है दुनिया भर के इदारों के नज़दीक कितना बड़ा डैमेज है लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये एक दिन का किस्सा नहीं है भाई ये जो जाली पायलट अगर हायर किए भी गए तो इसका जिम्मेदार मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी ठहराऊंगा जिन्होंने असर रसूख के साथ लोगों को भर्ती कराए अंधा धुन भर्ती कराए कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया कोई कोटा का ख्याल नहीं रखा गया मैं मुस्लिम लीग नून के दौर को भी इल्जाम ठहराऊंगा हर दौर में मैं, मैं जनरल मुशरफ को भी मोरू इल्जाम इमरान खान को क्यों मतलब उसी की गर्दन पतली है क्या आप ये देखें ना कि इमरान खान की वैसे जनरली तो गर्दन काफी मोटी है उसको पकड़ना बहुत आसान है आसान नहीं है जी मैं माफी चाहता हूँ इसलिए कि उन पर जरा सी बात करें पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट तो नामी ग्रामी जर्नलिस्ट अब वो बैन हो चुके हैं और बहुत सारे आप मुल्क से बाहर जा चुके हैं और अपना यूट्यूब घरों से, से बेचारे चला रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक है अच्छा वो तो बाहर जा चुके हैं अब ये जो पायलट्स का मसला है पी आई ए खासतौर पर एक नटोरियस अदारा है वेरी वेरी दल इसमें दो तीन चाम होते थे जी। कि एक तो तनख्वाह जरा बेहतर होती जी दूसरा सबसे बड़ा चाम यह था कि पी आई ए में काम करने वाले बहुत सारे लोग अल्टीमेटली मुल्क से बाहर भागने में कामयाब हो जाते बिल्कुंग, थे बिल्कुल वो दो तीन चार निकल दो चार पाँच साल काम करते थे बहुत सारे लोग कैनेडा में बैठे हुए वो फिर वो कंट्री मैनेजर थे वो इसी कंट्री में रह गए फिर वो फिर कंट्री मैनेजर भी रह जाते थे इवन एयर और काम करने वाले बहुत सारे लोग जिस जिसका दाव चलता था वो अल्टीमेटली अपनी नौकरी से फरागत से पहले आखिरी दौरे पे जाके जी। तो वही पे रह था जाता था बिल्कुल ठीक कोई, कोई ना कोई बहाना ना वीजा लग जाते थे ना जी, जी, जी। तो ये भी एक, एक चाम था तनहमी भी अच्छी थी तो इस सारी सूरत हाल में अब मैं यहां पे ये देख रहा हूँ चलिए ये तो सब रूट कॉजेज को तो छोड़े जो असल प्रॉब्लम ये हुआ है वो ये कि पाकिस्तान का इमेज इस बात से बहुत डैमेज हुआ है ठीक अच्छा यहाँ पे इमेज डैमेज कोई ऐसे नहीं हुआ कि किसी दुश्मन ने कर दिया बिल्कुल ठीक है। या अब कुछ पाकिस्तानी ये भी इल्जाम लगा रहेगा अगर ये गुलाम सरवर रेहान कहते ही ना पार्लियामेंट में तो ये मसला ना होता तो भाई गुलाम सरवर रेवान साहब ने अगर सच बोल दिया है अगर वो तो रूट कॉज बता दिए अगर वो अगर वो चुप रहते हैं, तो फिर जो पाकिस्तानी यहां पे अमेरिका कनाडा यूरोप में बस रहे हैं जो आज ये कह रहे हैं गुलाम सरवर ने पाकिस्तान की बदनामी कर दी जी तो फिर वही सफर करते रहे इसमें इन्हीं इस हाँ। जाली पायलट्स के साथ वो सफर करते रहे लेकिन सर फिर मेरा सवाल वही आता है कि सिर्फ पायलट ही क्यों उनको भर्ती कराने वाले सियासी लोग क्यों नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि इस इदारे को जो हेड कर रहा है जिसके सरबराही में ये तैयारा नोज डाउन कराची में हुआ वहाँ तक तो उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया आज वो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए जब वो छः माह के लिए कौमी एयरलाइन किसी मुल्क की पूरे यूरोप में बैन हुई है हिस्ट्री में तो क्या वो इस्तीफा देंगे पाकिस्तान में देखिए बड़े बड़े वाकत हुए हैं और पी आई ए के अगर कॉन्टेक्ट में देखें तो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने इन्वॉल्व है तमाम पोलिटिकल पार्टी के ब्यूरो और खुद जो एयरफोर्स के लोग हैं सिविल एवियेशन के लोग हैं वो जो पायलट जिनका वीडियो आपने दिखाया वो जो बोल रहे हैं तो वो दुरुस्त कहते हैं कि भाई आफ्टरऑल इन इदारों के सरबरा कहाँ से आए हुए हैं जी वो भी तो पाकिस्तान आर्मी के ही ज़्यादातर लोग हैं सिविल exactly. तो अस्करी इदारे के लोग सरकारी जो सिविल इदारों में अगर मुदाखलत करेंगे सर और आपको पता है कि पाकिस्तान के आज तमाम बड़े सिविल इदारों के सरबराहान हाजिर सर्विस या रिटायर्ड सर्विस जनरल ब्रिगेडियर जनरल इस तरह के लोग बैठे हुए इस मुल्क को चलाया जा रहा है ये समझ के कि शायद यही एक नाखुदा है जो कश्ती को आगे लेके जाएगा कश्ती तो डूबती जा रही है सर देखिए बात यह है कि आज की बात नहीं है अनीसा पाकिस्तान को डायरेक्ट और इन हमेशा से पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने चाहे वो रिटायर्ड हों चाहे हाजिर हो उन्होंने ही चलाया है ठीक। और अल्टीमेटली नजला गिरता है सियासतदानों ठीक अल्टीमेटली घटिया कहलाते हैं सियासतदान ठीक है मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के सियासतदान बड़े अजीम हैं वो भी उनके करप्शन में उसी तरह के बिल्कुल ज्यादातर हिस्सेदार हैं लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लोगों को यह बात कहते हुए शर्म करनी चाहिए कि जी ये सियासतदानों की नाहली की वजह से है बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के 99 नाइन परसेंट जो लोग हैं ना चाहे वो हाजिर सर्विस हो चाहे वो रिटायर्ड हो वो हैं तो आर्मी के ही नाइन मैं, वही पाकिस्तान के हर शोबे को चला रहे हैं ठीक। और इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के हर शोबे की जबू हाली और बर्बादी का ये आलम है तो इनफैक्ट ये लोग जिम्मेदार हैं yeah. so इसीलिए तो वो वो पायलट कह रहे हैं so वही पायलट यही कह रहा है कि भाई इनको पकड़ो ना जी। ये जो सिविल एविएशन और ये जो एयरफोर्स ये एयरफोर्स सिविल एविएशन में आने वाले लोग पाकिस्तान आर्मी के बैकग्राउंड के सिर्फ नहीं है हर शोबे में है बिल्कुल बिल्कुल ये तो मैं कह रहा हूँ सारे बड़े इदारों को ही हेड कर रहे हैं तो वो फिर मुझे याद है अनिस बहुत पुरानी बात है पच्चीस तीस साल पुरानी बात है बल्कि शायद इससे भी मैं मुझे ज्यादा पुरानी बात है जिया का आखिरी दौर था ज्यादा पुरानी बात है पैंतीस चालीस साल तो मैं वापडा हाउस लाहौर जिसका काम है बिजली और पानी के इंतजाम जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यानी वो पावर का एक हब है जी बिल्कुल उसमें गया तो मैं हैरान हुआ कि एक बड़े अफसर के बाद कर कर्नल का लिखा हुआ एक बड़े अफ, अफसर के दफ्तर के बाद तख्तियां लगी हुई है रिटायर्ड मेजर जनरल का जी. तो मैंने सोचा कि गलती से मैं कहीं जीएचक्यू में आया तो नहीं आ गया ठीक है ये हाँ। तो एनर्जी का इधारा है जी 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 रिटायर्ड क्या हाजर सर्विस

नाजन जो इस वक्त सूरत हाल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर सर्द जंग अपने अगले मरले में दाखिल हो गई है इल्ज़ाम की वजह भी है अगरचे देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए थी जो इंडियन डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद हैं इंडिया ने बाकायदा सबूत के साथ वहाँ से पा, पाकिस्तान के जो एम्बेसी से वा, वाकयात हो रहे थे उसकी बेसिस पे वहाँ से को उनको बेदखल किया है इस पर आज बात करते हैं कि जो डिप्लोमेटिक सर्द जंग तायर भाई चल रही है आ, दोनों ममालिक के दरमियान ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो इसके इसकी क्या आप देख रहे हैं देखिए जी डिप्लोमेटिक सर जंग पाकिस्तान और भारत की ऑन एंड ऑफ चलती रहती है ठीक है अब ये एक बहुत ज़्यादा पीक पर है ठीक है लेटेस्ट इसका ये वाकया है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने कहा पाकिस्तान को कि आप अपना हमला अदा करें क्योंकि हमारे पास इस बात के शाहद हैं कि आपका अमला यहाँ पे जो है जसूसी की कार्रवाई में मुलवस है भारतीय जो सिटीज़नज़ हैं उनको वर्गलाने में मुलवस है और ख़ास तौर पर कश्मीर के आ, नौजवानों को आप वीज़े दे रहे हैं जो इंतहा पसंदी वहाँ पे कर और वो पाकिस्तान जाते हैं वहाँ से ट्रेन होके आते हैं कोई तकरीबन बताया गया कि कोई चार सौ के करीब ऐसे वीज़े हैं जिनमें से कोई ढाई सौ का पता ही नहीं है वो कश्मीरी इंडियन नौजवान कहाँ पे हैं अच्छा, मतलब अच्छा। तो तो हाँ, इस पे उस पर फिर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिखाया ठीक है उन्होंने दो भारतीय सफारतकारों को जैसा कि उनका एक स्टाइल है उन्होंने समझा कि ये भारतीय सफारतकार शायद अपनी जगह पे होंगे मगर ये शायद जैसे एम के कारकुन इन को, को पकड़ो कर, कर लो ठीक है। उन्होंने उसी तरह उनको एबडक्ट किया या बलोचों को जिस तरह ये करते हैं उनको उसी तरह करके ये ले गए जीवा कन्वेंशन के कवानीन है जो सफा लागू आ, नहीं वो, वो, वो जो असूल है वो उन्होंने बिल्कुल मुलूज़ खातर ही नहीं रखा फिर कई घंटों के बाद जब ये शोर पड़ा इंडिया ने पूछा कहाँ है भाई तो इन्होंने कहा जी वो असल में न एक हिट एंड रन में थे अच्छा कार एक्सीडेंट में थे तो हमने उनके, वह पास है, हाँ, लेकिन चलिए चलिए आपने आपको नहीं पता पुलिस जाहिल है उनको नहीं पता कि ये स्तना जो है ये है चलिए लेकिन उसका ये तरीका तो नहीं है वो गायब हो गए वो मिसिंग पर्सन बन गए और कई घंटों के लिए मिसिंग पर्सन बन गए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने फिर जब ये इंडिया ने इस पर सख्त एक्शन लिए तो वो बिचारे कई घंटों बाद आए और उन पर तशद के निशाना थे वो सोशल मीडिया पर वो सारे वो पिक्चर्स और वीडियो अच्छा फिर मतलब अगर वो हिट एंड रन में थे तो उसका सबूत लाए सबूत चले है भी तो वो वो पुलिस का केस है ना जी पुलिस का भी केस है तो वो इमीडिएटली ये डिटर्मिन करना है जिनी कन्वेंशन के तहत कि इनकी कितनी इंप्यूनिटी है बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कु. लेकिन वो एबडक्ट पर्सन कैसे बन गए हाँ, वो एक रिवायती हमारा जो एक तरीके का वो है। ये एक वो हर एक को समझते हैं कि लाठी से को वो फिर इस पे ये जब भारत ने जरा ज्यादा सख्त एक्शन दिया तो फिर ये जरा और टेंशन बढ़ी फिर आज यानी तीस जून को बहरहाल चूंकि भारत ने पहले कहा था कि भाई ये अपने बंदे वापस लेके जाएं हमें इतना अमला आपका नहीं चाहिए तो पाकिस्तान ने भी कह दिया वो तो बात समझ आती है हाँ। कि भाई रैसिप रोकल होता ठीक हो, है ना ठीक है, है भाई आप भी निकलें तो आज भारत के भी जो हैं तकरीबन आधा अमला वहां से ठीक है जो रह गया था कुछ आ रहे थे कुछ गुजरात कुछ दिनों से आना शुरू हो गए भारत वापस तो वो फिर भारत वापस आए वाघा बॉर्डर से तो तोाह इससे पाकिस्तान और भारत के बीच तल्लकात में सरदमहरी और आएगी कशीदगी और बढ़ेगी और ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान वो जो अपनी प्रॉक्सी और कश्मीर वो इन चीज़ों से हाँ। निकल हालांकि अब इफ, अब तो पाकिस्तान एफोर्ड नहीं करता जी लेकिन बिल्कुल नहीं करता अभी भी फंसे हुए हैं उसी माइंड सेट में मेरा ये वाद दौर है इमरान खान का कि जिसमें कोई बातचीत नहीं हो पा रही आ, हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ वरना नवाज़ शरीफ हों या जरदारी हों कहीं ना कहीं एक बैकडोर डिप्लोमेसी दोस्ती चलती रही है यहाँ के बिल्कुल ही मतलब बात वही ट्रोल रवैये की आ गई कि जिस तरह का ट्रोल रवैया इनका लोअर लेवल पे है सरकारी सतह पे भी, भी उन्होंने ट्रोल ही अपनाया मोदी को ओए और कह के, के जिस तरह से एक रियासत के ज़िम्मेदार सरबरा ने किया

वो ठीक है अच्छी बड़ी अच्छी बात, बात की मैं आपको तो इसी से थोड़ा सा बताता हूँ उन्होंने कहा कि यार अगर इमरान खान को ही बनाना था पहले इसको जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर बना देते हाँ। देखते कि वहाँ क्या परफॉर्म करता है उसके बाद मुल्क हवाले करते हैं नहीं 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 ये किसी जगह पे लीडरशिप में ना हिला ना हिलात वो जो क्रिकेट टीम का कभी हुआ करता था वो एक छोटी चीज़ है मुल्क चलाना एक बहुत बड़ी चीज़ है उसमें भी बट ठीक है एक अच्छी गुड लक थी चले गए अगर उन्होंने कोई अच्छी वहाँ पे फैसले लिए तो ठीक है मैं तो बेचारे को गुसर नहीं रहा सीधी बात बताऊँगा सर जो उनको लेकर आए ना आज वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं आज वो अपने फैसले पर पछता रहे हैं कि ये असी की कीता सर वो कहाँ उन्होंने सर वो जिसे कहते हैं सर पकड़ना है वो खुद ना उनको समझ आती है फिर वो शहीद वाली बात आ जाएगी हाँ, हाँ. कि जिस तरह उसामा मिल लादन को ये इसम्बली में शहीद कहते हैं जी और वो भी अभी पिछले दो चार दिन पहले की बात है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और, और इस पे मैं हैरत हैरत ये करता हूँ दुनिया ने अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया वो दुनिया कोविड में फंसी हुई और दुनिया दुनिया को वैसे भी पता है हाँ, कि ये समझते हैं उनकी स्टेबल भी शहीद नहीं नहीं, 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 ये बड़ी बात है कि आप नेशनल असेंबली के फ्लोर से Absolutely. जो कि जिसको एक्सपंज भी नहीं किया गया रिकॉर्ड से प्राइम मिनिस्टर उसामा बिन लादेन हु माए बहने सवाल करें, खान से, कि हम हीरो किस को माने शहीद हमारे घर वाले हुए थे कि शहीद तो ये हमारा मारने वाला हुआ वा था वो एक पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि मारने वाले को भी शहीद समझा जाता है और मरने वाले को भी शहीद समझा जाता है यानी कोई तखस ही नहीं बात कौन कब किसे कह दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है वो कुछ कुछ पता नहीं है वहां तो ये ये एक बदकिस्मती है तो बहरहाल जी इंडिया और पाकिस्तान के तलकदाब ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस तरह की सर्दमेरी कभी नहीं हुई थी उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ का जमाना हो या इवन पीपल्स पार्टी का जमाना हो वो गवर्नमेंटें जितना चाहे इस्टेबलिशमेंट के दबाव में आती थी लेकिन फिर भी वो कुछ इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हाँ वो वो चाहते थे पॉलिटिशन कहीं ना कहीं नवाज शरीफ हो या इवन जरदारी ने भी एक दफा टैंप किया हालांकि जरदारी इस मामले में नकम्मे रहे नवाज शरीफ बेतरा नवाज शरीफ ने बहुत अच्छे काम किया बेनजीर जब थी प्राइम मिनिस्टर तो वो चेहरी कोशिश करती थी ये थी कि वो वो समझती थी, थी कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और दूसरी तरफ जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं मेरी उनसे बात होनी चाहिए इवन इवन मुशर्रफ ने भी मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे हिंदुस्तान के साथ जाकर रवाबित रखे मुशर्रफ एक इंतहाई आ, थर्ड क्लास लेकिन आफिकात भी था मैं मसला ये ना कि वो उस... हाँ वो वो एक मैं मैं ये खुल कहता हूँ कि वो थर्ड क्लास और मुनाफिक और झूठा आदमी था वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था वो ये समझता था कि मैं जहाँ से फायदा हो सकता है मैं फायदा ले लू जी और जहां से फायदा नहीं हो सकता तो मैं अपने ना फौजी बूट यूनिफॉर्म इज़ स्किन वो वो ऐसा एक घटिया शख्स है वो बात ने मुशरफ को भी वापडा के चेयरमैन होना चाहिए था उसको मुल्क मिल गया हाँ वो एक ऐसा घटिया शख्स है वो तो अभी पिछले दिनों ही कह रहा था पिछले महीनों ही कह रहा था कि वो जो ये मौलाना और ये सारे हीरो हैं हैं हमारे हीरो मतलब वो एब्सोल्युटली एक एक गार्बेज और थर्ड क्लास आदमी था इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है अच्छा आपने हमने बात की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक जो एक सर जंग है शिकायत है या जो भी एहतजाज है आ, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है अभी मैं आपको बॉसनिया की मिसाल दूँ बॉसनिया ने ऑफिशियली शिकायत की है कि हम कुछ जो है पाकिस्तान दहशत गर्दों की तरबियत और इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व है और बाकायदा इसकी न्यूज़ रिपोर्ट भी आई है ये भी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये 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 भी, भी बदकिस्मती से इंटरनेशनल फ्रंट पे ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है है बिल्कुल है देखिए जी यूरोपियन यूनियन ने कहा और यूरोपियन यूनियन के कई हुकाम ने बॉसिया से कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं वो बॉसनिया पहुंचना आसान है उनका और बॉसनिया को वो इस्तेमाल करके क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जी। वो फिर यूरोप में लीक होते हैं क्योंकि किसी एक मुल्क में दो टेररिस्ट टू बी टेरिस्ट, टू टेरिस्ट। वो पकड़े गए थे ठीक है ठीक है ठीक है फिर ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बॉसनियन सफारत वो जो सॉरी फॉरन ऑफिस वालों ने बुलाया भी और फिर बोस्निया के फॉरेन ऑफिस को यूरोपियन यूनियन के हुकाम ने अपने कंसर्न्स भी शेयर किए हैं तो ये भी एक खौफनाक वाक्य है बिल्कुल उससे भी यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का इमिज काफ़ी और ख़राब होगा देखिए बात यह है कि अभी ये पायलट्स फेक पायलट्स की कहानी है अभी तो कोविड नाइन्टीन है ना जी लेकिन कोविड नाइन्टीन में ये जो इमेजेस नहीं बन रहे हैं उसके बाद जो दुनिया इमर्ज होगी कोविड नाइन्टीन बात जब याद भी तो रखी जाएंगी फिर नहीं याद नहीं रखी जाएंगी वो याद भी रखी जाएंगी वो उस पर अमल होगा जी ये शहीद कहा आपने हमें याद है ठीक है उन... ये पी आई ए का जो है जाली लाइसेंस है ये हमें याद रहेगा ठीक है ये आपने डिप्लोमेटिक लेवल पे किया ये हमें याद रहेगा ये आपने दहशत गर्दों को ट्रेन किया ये ये चीजें बाद में और आनी है अभी आनी है ठीक है तो अच्छा तहार भाई पाँच मिनट रह गए चार पाँच मिनट मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा यहाँ लोकल कम्युनिटी के कुछ एक दो ईश्यूज़ हैं एजाज चौधरी साहब के या, या। जो 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 वाक़ हुआ जिसको पुलिस ब्रोटैलिटी के साथ मारा गया बिल्कुल ठीक उसके बाद यहाँ पे बड़ा अजीब सा कम्युनिटी का रवैया देखने को आया और वो अपने अपने गेटोज़ जो होते हैं उन्होंने हसब दस्तूर उस एक मुद्दा जो कि आपको याद है जॉर्ज फ्लॉइड का एक मुल्क गिर तहरीर चली थी उसको मैं ये समझता था कि एजाज़ चौधरी के इस वाक़े के बाद कैनेडा भर में एक मुल्क गिर प्रोटेस्ट होगा लेकिन अफसोस की बात है कि हमने उसको गेटोज़ में ला कर उसको महदूद कर दिया और अब नॉट ओनली गेटोज़ हमने उसको वही चार पाँच कम्यूनिटी दस लोग जो कि लाइम लाइट में रहना चाहते हैं खैर वो तो अब ज़्यादा हमारा अलमी है आज से नहीं है तीस साल से लेकिन ये जो मशरूम ग्रोथ के लोग आते हैं फिर ये नए नए मीडिया खुलने से अपने आप को सहाफ़ी समझते हैं वो अब ये दावेदार और चूरन और मंजन बेचने लग गए हैं कि ये यहाँ पर कैनेडा में कौन मुहब वतन है कौन नहीं है उसकी एक फ़हरिस्त है हम ऑन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वाकई ये हमारा हाँ, इस कैनेडा को अब पल्यूट कर दिया गया है कर किया जा रहा है अगरचे ऐसा मुमकिन नहीं है कि तीन चार लाख पाकिस्तानी पाँच लाख हिंदुस्तानी आ आते है हैं वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आठ दस लोग आते हैं ये थोड़ी सी स्ट्रॉग इन द कप करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए बड़े अफसोस की बात यह है कि वही आप वाली बात कि लगता यही है कि पुलिस की एक्सेसिव फोर्स से एजाज अहमद चौधरी हलाक हुए ठीक है और उसको पहले इस्लामिक मसला बनाया गया पाकिस्तानी कम्यूनिटी का मसला बनाया गया ये मसला बना देते अगर पुलिस ने उनको मुसलमान समझ के मारा होता जी पुलिस ने ये समझ के मारा होता ये ये पाकिस्तानी है तो वो रेशियल प्रोफाइलिंग की तो बात समझ आती है जी वो तो पुलिस की कैनेडियन पुलिस की एक्सेसिव जो है इन, ए, फोर्स की वजह से एक कैनेडियन शहरी मारा गया जी एजाजरी अच्छा अब इसको आप पाकिस्तानी वो चक्कर हाँ आपने वो जिक्र किया मुझे हंसी आ रही है कि भाई वो कौन पाकिस्तानी है कौन गद्दार है तो वो उस पहली बात ये कि इसका क्या तल्लक है एजाज अहमद चौधरी के साथ जी। ये एक अलग डिबेट है अगर ये अलग भी डिबेट हो तो मिसाल के तौर पर मैं तो अपने आप को कैनेडियन समझता हूँ जी समझता नहीं हूँ मैं हूँ जी ठीक है तो भाई मेरा क्या तल्लक मैं, मैं एक मिसाल देता हूँ बिल्कुल इसी तरह हर पाकिस्तानी का ये ख्याल होना चाहिए पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो कैनेडियन है जी। आप कैनेडा के साथ लॉयल हुए कि नहीं है बिल्कुल ठीक है बाकी आपके भारत के साथ पाकिस्तान के साथ चीन के साथ रूस के साथ क्या डिफरेंस ओपिनियन है वो एक अलग मसला है जी। पहला मसला ये कि आपने ये तय करना के है कि आप कैनेडियन हैं कि नहीं है कैनेडा डे पे हम ये शो कर रहे हैं ठीक है तो मैं इस पॉइंट को लेकर आया कि हम कनाडा में रहते हुए आज थीक हम कनाडा डे भी है तो आप लोग आज तक कैनेडियन नहीं बन पाए आज तक हम उन्हीं गेटोज में रह रहे हैं आज तक हम लोकल मसाइल नेशनल मसले को हमने लोकल मसला बना दिया एक नो बिल्कुल और उसको महदूद कर दिया उनके साथ जाती है उस फैमिली के साथ जाती है जो ये समझ रहे हैं कि हम ये पचास लोगों के ग्रुप में रहकर बड़े हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुद्दा दब गया वो वो आवाज़ उठ नहीं पाई क्योंकि मेयर मेयर बोनी करामबी ने आ, लिप सर्विस की मेगाफोन लेके आके बात तो कर ली लेकिन जब वो काउंसिल में गई तो वो पुलिस के बारे में बजट कट कर नहीं करवा सकें रिफॉर्म्स तक लेकर आ गई इसी तरह टोरंटो में भी यही हुआ तो और दूसरे के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे सो कॉल्ड प्रोविंशियल एंड फेडरल जी वो भी लिप सर्विस करे के हद तक रहे और लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये जो इवन पॉलिटिशन हैं जो पाकिस्तानी रिजन के हैं हाउ डेयर दे कॉल themselves first फर्स्ट पाकिस्तानी जी क्योंकि ये कैनेडा की मुख्तल पार्लियामेंट्स में कैनेडियन है पहले बिल्कुल बिल्कुल और जब ये मेंबर पार्लियामेंट्स हैं तो इनको सिर्फ कैनेडियन बात करनी होगी बिल्कुल सही बिल्कुल सही इनको ये जो को, को, कोई भी इनकी आइडेंटिटी है ना ये सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों की बात नहीं कर रहा किसी भी ओरिजन के लोग कनेडियन पार्लीमेंट में कनेडियंस को जो रिप्रजेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है तो so बहर अगर इनका कोई और भी आइडेंटिटी है जो पार्लियामेंट में दिखाना चाहते हैं तो सॉरी वी आर नॉट नॉट गोइंग गोइंग टू एज कैनेडियन आई एम टू एक्सेप्ट दैट असलम गोरा साहब की इस बात पे आज प्रोग्राम ख़त्म होता है कि हम कैनेडियन जो है सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन है सो कैनेडियन इज अ कैनेडियन इज अ कैनेडियन और आज कैनेडा के मौके पर मैं सिर्फ इस बात पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि इस परचम के सा तले हम एक हैं हम एक हैं अनी फारूकी को have a great evening subscribe tag tv youtube channel and press the notification button